हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से लेफ्ट साइड का अपर फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट किया। सबसे पहले मैं हमेशा लोकल एनेस्थीसिया जेल लगाती हूँ, जिससे इंजेक्शन का पेन बहुत कम फील होता है। यहाँ पे मैं ओनली इन्फिल्ट्रेशन दे रही हूँ, बकल इन्फिल्ट्रेशन एंड पैलेटल इन्फिल्ट्रेशन। एस्पिरेट करेंगे एंड देन स्लोली इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा ओरली थोड़ा सा मसाज कर लेना चाहिए, जिससे कि लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब पैलेटल इन्फिल्ट्रेशन, अगेन थोड़ा सा मसाज कर लो उस एरिया पे। अब चेक करेंगे एनेस्थीसिया हुआ है या नहीं, सल्कस में इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके। गम्स को पोक करके कभी भी चेक नहीं करते हैं। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, पूरी तरह से ये दांत एनेस्थेसाइज हो चुका है एंड इट इज रेडी फॉर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे काफी जिंजाइवल रिसेशन है, तो मैंने रिफ्लेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली फोर्सेप का यूज़ किया है। फोर्सेप को अपाइकली होल्ड करते हुए बक्कोलिंगुअल मोशन देते हुए दांत को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। And the tooth is extracted. थोड़ा सा उस एरिया को कंप्रेस करके ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे कि सब कुछ ठीक है एंड देन फ्रेश गॉज पीस यहाँ पे लगाकर पेशेंट को बोलेंगे कि माउथ क्लोज कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे अपोजिंग टीथ नहीं है, तो ये गॉज पीस इतना एनफ नहीं था, तो मैंने एक और गॉज पीस लगा के पेशेंट को बोला कि आप च्यू कर लीजिए। ये एक्सट्रैक्टेड दांत है, इन्हीं पेशेंट में मैंने और भी दांत एक्सट्रैक्ट किए हैं। ये है राइट साइड का लोअर कैनाइन, कैनाइन को रोटेटिंग मोशन में ही एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। एंड देन फर्स्ट प्री मोलर बक्कोलिंगुअल मोशन देते हुए इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये दोनों दांत भी एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। देन सेम पेशेंट में राइट साइड का अपर फर्स्ट मोलर भी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। इसको भी बक्कोलिंगुअल मोशन देते हुए हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये तीनों क्वाड्रेंट्स के एक्सट्रैक्शंस अलग अलग दिन किए हैं मैंने। मैंने जस्ट कंपाइल कर दिया है एक ओवरव्यू देने के लिए। एंड फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्ट हो गया है। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।